वाली नहीं है, तो पूछ ही नहीं कर पाएंगे। सवाल सिर्फ ये है कि महासभा किसने बुलाया, महासभा में ठहराव करे 7 मार्च को, जॉगिंग ट्रैक का काम अब इफ्तिता होने जा रहा। हम लोग 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए तो अखबारों में खबर आई कि ठहराव बनाया जा रहा है, बन गया। अगर 7 तारीख को इन्होंने ठहराव किया था, उसी वक्त ठहराव करके ये कमिश्नर को और सिटी इंजीनियर को बुलाते और बोलते पीडब्ल्यूडी को लेटर दो और काम रोको, ये तो शिवसेना और राष्ट्रवादी मालेगांव की, उसके उहदेदार और मेयर, इनकी मिली जुली साजिश है ये। जब 7 मार्च को इन्होंने पूरे शहर को बेवकूफ़ बनाया, हमको भी बनाने की कोशिश की है, जमीयत को भी बनाने की कोशिश की है, ईदगाह ट्रस्ट को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, जब इनको ठहराव भेजना ही नहीं था। अभी भी आज की, अभी आज इफ्तिता है और आज की तारीख में मेयर ने बताना कि उसने ठहराव पीडब्ल्यूडी ऑफिस में भेजी गया रोकने का, अभी भी नहीं भेजा गया। तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं शहर को, ये शहर भी देख रहा है। हम भी जो है उस वक्त बोले थे कि यार हमने इनको 8 दिन का टाइम दिया था, अखबार में खबर और वो ठहराव की कॉपी आई, ठहराव की कॉपी पे भी सिक्का कमिश्नर का ऐसा लगा है जो कि हमेशा उसको नियम अनुसार कार्रवाई करो, इस बार सिक्का ठहराव पे लगा है, नियम अनुसार कार्रवाई या विखंडित के लिए भेजना है क्या? तो ये क्या बेवकूफ़ समझे है क्या हमको? ये तो सब बात सामने आएंगी। बेवकूफ़ आज बरसर इकतदार जो है, NOC कौन दिया? कारपोरेशन दी। कारपोरेशन बोले तो जो इकतदार में बैठे है उनका काम है ये। जब उन्होंने NOC दिया और महासभा में NOC रद्द करने की बात बोली तो 20-25 दिन इन्होंने महासभा का ठहराव बनाया क्यों नहीं? आज इफ्तिता है, आज की तारीख में मेयर ने या राष्ट्रवादी के अहदेदार ने बताना कि PWD को उन्होंने देखो ये लेटर दिया है रोकने का, आज भी बताना, आज की तारीख में भी उन्होंने लेटर नहीं दिया है। तो ये जिम्मेदारी, ये साजिश है, ये प्लानिंग के तहत जॉगिंग ट्रैक का काम किया जा रहा है, दादा भुसे और शेख रशीद खानदान मिलके ये काम कर रहे हैं। मेरी मालूमात में यहाँ तक बोला गया शेख रशीद साहब की तरफ से, कुछ लोगों के सामने दादा भाऊ का फोन आया, उन्होंने कहा जॉगिंग ट्रैक के इफ्तिते में आने का 3-4 दिन पहले, बोले तुम काम कर लो, सब अच्छे से कर लो, मैं थोड़ा इधर के राजकारण की वजह से लोग जरा खिलाफ है तो मैं आ नहीं सकता, मगर तुम सब काम अच्छे से कर लो, आपके पास ऐसी मेरी मालूमात है। आपके पास में आमदार है, आपके पास अपोजिशन लीडर है, आप लोग ऐसे इतने संगठित महागठबंधन चलाते, इसका मतलब कि तुम कुछ ही नहीं कर सकते कुछ चीज जो है ना, अगर जिम्मेदारी तो आप लोग तो बचा भी नहीं पाए भाई। कुछ चीज मैं तुमको वही बोल रहा ना, ठहराव बनाने की जिम्मेदारी अपोजिशन लीडर की नहीं है, आमदार की नहीं है। ठहराव बनाने का काम मेयर, यहाँ तक के नगर सचिव का भी नहीं है, वो मेयर का ही अधिकार है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जहाँ हम भी मजबूर है ना, कि हम क्या कर सकते, वहाँ वो मेयर का ही अधिकार है ना। MLA जाके वो ठहराव बना सकता है ना, अपोजिशन लीडर जाके वो ठहराव बना सकती ना, उस पर दस्तखत कर सकती। इन्होंने जब ठहराव बनाया था दूसरे दिन PWD के ऑफिसर को सिटी इंजीनियर आयुक्त की तरफ से भेजना था। हम तो बोल रहे हैं ना हम मजबूर हैं, हम मजबूर हो गए उनके आगे, क्योंकि वो अधिकार उनके हाथ में था। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतने अच्छे अच्छे पैजामे, इतने अलग अलग कलर के झंडे, इतने लोग संगठित हुए, इतने बयान, दाढ़ी और पैजामे से कोई काम नहीं रुकता, एहतियाज और कानून से काम रुकता, दाढ़ी और पैजामे से कब काम रुकने लगे? देखो पहले वक्त से जो लोग थे उनकी नीयत नहीं थी कि ये काम रुक जाए, ईदगाह का और ट्रैक का काम रुक जाए। बात मैं क्या बोला नहीं, देखो दावाड़ी को पानी देने, अपन कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है, दावाड़ी को पानी देने का सवाल था। हम मुसलसल एहतजाज भी करते रहे, कागज पत्थर भी चलाते रहे, आज भी नहीं दे सके। ये जो प्रोग्राम हुआ, मैं आज भी बोलता कड़ी से कड़ी, तुम खुद मिला के देख लो, 12 नवंबर का तशद्दुद होना, शहर के अंदर एक खौफ तारी हो जाना, कोई बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज नहीं कर पाएगा, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का बैठा देना, ये सब एक कड़ी से कड़ी मिली थी। और दादा भुसे को बोलना तुम्हारा काम कर लो, हमको कुछ इधर बोलना नहीं, उसके बाद ठहराव का नाटक करके 20 दिन ठहराव नहीं बनाना, जब आवाम में ये बात आ जाए कि ठहराव नहीं बना तो सिर्फ ठहराव बना देना, उसमें भी विखंडित और ये सब सवाल डाल देना, उसके बाद आज भी PWD ऑफिस में आज भी इन्होंने ये लिख के नहीं भेजा कि यार ये ठहराव विखंडित हो गया, ये काम रोको, ये जो है ठहराव जो बन गया है NOC गलत तरीके से हुई है, ये काम फौरी तौर पर रोको, इसका इफ्तिता हो रहा, आज भी इन्होंने क्यों नहीं भेजा? तो हम तो बोल रहे हैं हम मजबूर हो गए, क्योंकि वो अधिकार मेयर का था, हमारे पास वो अधिकार नहीं था, इसकी वजह से मजबूर हो गए। अगर हमको अधिकार मालेगांव शहर की आवाम ने दिया होता तो शहर भी देखता, हम तो मजबूर है, ये बात सच है। मान
महागठबंधन में तुम्हें खाली बोलते दिखे हो, बाकी के लोग तो सामने जरूरत ही नहीं महसूस किए चीफ से बोलना। बाकी लोग महागठबंधन की गठनेता बोल दी मतलब पूरा महागठबंधन बोल दिया।